नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज़। में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कल हुए कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में बहुत ही गहमागहमी देखने को मिली। बता दें कि पहले तो डीएसओ समर्थित उम्मीदवार को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया, उसके बाद ही रिकाउंटिंग होते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संबंधित उम्मीदवार को अध्यक्ष पद पर मनोनीत कर दिया गया। इस मनोनयन पर आज सुबह से ही पूरे शहर में चर्चाओं का माहौल गर्म है। कुछ चर्चाएं एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गठबंधन को लेकर थी, तो वही कुछ चर्चाओं में गुना के प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया के नेतृत्व में कॉलेज इलेक्शन जताया गया, ऐसी चर्चाएं थी। साथ ही अफवाहों का बाजार भी आज दिन भर गर्म रहा। इसी बीच डीएसओ ने स्थानीय सम्राट होटल पर प्रेस वार्ता कर सभी को बताया कि किस तरह से आखिरी बार जब मतगणना हुई, किस तरह से सीसीटीवी कैमरे और प्रेस के कैमरे को बंद करवा दिया गया। ऐसा क्या हुआ था उन अंतिम क्षणों में कि कैमरे बंद करवाने की नौबत आ गई। विरोध करते हैं कि एबीवीपी नहीं जीती है। आज एबीवीपी की हालत ऐसी हो गई कि आखिरी में वो पथराव हमारे ऊपर करने लगे। तीन बार रिकाउंटिंग में हारने के बाद चौथी बार मंत्री संत्रियों के फोन के बावजूद उन्होंने ये प्रयास किया। इसलिए हम केस दायर करेंगे और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल भेजने की तैयारी भी हम लोग करेंगे, ताकि आने वाले समय में जिन छात्रों के साथ खिलवाड़ हो सकता है वो नहीं होगा। ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। साथ में पूरे शहर के अंदर एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा कि विद्यार्थियों के साथ इस ढंग का मैनिपुलेशन किया गया है। तीसरा, हम रचना किरार जो अध्यक्ष हैं वो पूरी सक्रियता के साथ छात्र संघ को चलाएंगी, और जितने सीआर जीत कर आए हैं, जिस ढंग से वो जीतने के बाद उनको काम करना चाहिए था उसी ढंग से सभी सीआर और रचना किरार कॉलेज के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी परिषद के लोग, एनएसयूआई के लोग, जिनकी अंतरात्मा जागी, उन्होंने रचना किरार को वोट किया है, इसलिए हमारा वोट बढ़ा है। लेकिन हमारा वोट कम नहीं हुआ, 21 से कम नहीं हुआ कहीं भी वोट। ये पता लगाता है कि हमारा गठजोड़ किसी से नहीं था। उन्होंने गठजोड़ करने के बावजूद उनके लोगों ने हमें वोट किया, ये विश्वसनीयता की बात है। 51 स्टूडेंट्स थे जो एनयूसीआई बीजेपी जो मिलकर गठबंधन कर रही थी, उसमें भी जो स्टूडेंट्स बैठे थे उनको लगातार हेल्प की जरूरत पड़ती है, और स्टूडेंट लगातार कॉलेज में वर्क करता है, तो वो मेरे को जानते हैं अच्छे से कि मैं स्टूडेंट के बीच में रहती हूँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि इस स्टूडेंट ने मेरे को वोट दिया या किसने क्या किया, लेकिन उन लोगों को विश्वास था इसलिए उन लोगों ने मेरे को वोट दिया। हम लोग हाईकोर्ट तक जाएंगे, जैसे भैया ने भी बताया, हाईकोर्ट में भी जाएंगे और उसकी फॉरेंसिक जाँच को लेकर भी हम लोग बोलेंगे। हम लोग लगातार इस डिमांड को उठाएंगे कि जो चुनाव हुए हैं वो गलत तरीके से हुए हैं और गलत कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाकर उन वोट को बदला गया है, और उन वोट की जांच होनी चाहिए या फिर अध्यक्ष के चुनाव दोबारा से कराना चाहिए। और फॉरेंसिक जांच में जो गलत पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, जो टीचर्स, उनको निरस्त किया जाए। इस तरह की डिमांड हम लोग आगे करेंगे। वहाँ पर लगातार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं मंत्रियों के, मैं मंत्रियों का नाम नहीं बताऊंगी खुलकर, लेकिन वहाँ पर तिवारी जी को फ़ोन आ रहे हैं मंत्रियों के, हमारे सामने वो बाहर जाके बात कर रहे हैं, उन पर प्रेशर आ रहा है, और तिवारी जी हमको सामने बोल रहे हैं कि रिकाउंटिंग होगी नहीं तो चुनाव रद्द कर देंगे, आचार संहिता का आप लोग उल्लंघन कर रहे हो, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि आचार संहिता का उल्लंघन। वही डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये सभी गुना के प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया के इशारे पर हुआ है, क्योंकि उनके लिए साख का विषय था महाविद्यालय में एबीवीपी को जिताना। प्रशासनिक फांसीवाद का रूप है, और यही रूप प्रदेश में अलग अलग रूप में हमको दिखा है कि हर जगह भाजपा का जो संगठन है एबीवीपी, उसको जिताने के लिए पूरे प्रदेश में इस तरीके से प्रयास हुए हैं, लेकिन पूरे नग्न रूप में सामने गुना में आया है कि हमारी प्रत्याशी रचना किरार जो जीत गई थी उसके वोटों को निरस्त करके उसको हरा दिया गया। बार बार रिकाउंटिंग की गई लेकिन फिर भी उसको हुआ कि जीत रही है, अंत में षड्यंत्र रचकर उसको हरा दिया गया। वीडियो कैमरे बंद कर लिए गए, मीडिया पर्सन को बाहर कर दिया गया, ये लोग एबीवीपी भाग लेगी और एबीवीपी को वॉक ओवर दे दिया जाएगा, कोई दूसरा संगठन इसमें हिस्सा नहीं लेगा। अगर वो इतना डरते थे तो उनको छात्र संघ चुनाव कराना नहीं चाहिए था, लेकिन पूरी तरीके से ये उनका पर्दाफाश हुआ है। ग्वालियर में भी दो कॉलेजों में एसएलपी कॉलेज, मानसिंह कॉलेज, वहां अंत समय में बीच में चुनाव को निरस्त कर दिया गया, क्योंकि एबीवीपी की आसन्न हार सामने दिख गई थी कि एबीवीपी जीत नहीं पाएगा, उसके सीआर और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद भी उसको जिता नहीं पाएंगे। वहीं आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले।
बीएसओ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि किस तरह बार बार मतगणना होने के बाद भी बीएसओ जीत रही थी, अचानक ही दो मतों को रिजेक्ट कर दिया गया। वही डीएसओ ने यह भी कहा कि जो दो मतों को रिजेक्ट किया गया है उनमें बाद में छेड़खानी की गई थी, जिन्हें फॉरेंसिक लैब भेजकर चुनाव को निरस्त कराया जाएगा। हुई है उसमें पूरी तरीके से जो वहाँ के लोग थे कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाकर पूरी तरीके से उनका फेवर किया गया। हम लोगों के सामने हालांकि जो हमारी काउंटिंग हुई है अध्यक्ष की, सचिव की, सह सचिव की, उस टाइम पे पूरा मीडिया मौजूद था, उस टाइम पे वहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग हुई है, काउंटिंग में कोई वोट गलत नहीं था। उस टाइम पे उनकी जो अध्यक्ष थी उनने भी इस चीज़ पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि वो हार चुकी है। उसके बाद वो 15 मिनट बाद बाहर जाती हैं, तिवारी सर से बात करती हैं। तिवारी सर से बात करने के बाद जब हम लोग बाहर जाते हैं तो वो हमको बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। चुनाव रद्द कर दिए जाएंगे अगर रिकाउंटिंग नहीं होगी, इस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे हैं। फिर उस टाइम पे उन्होंने एप्लीकेशन भी लिख के नहीं दी थी कि हम लोग मतलब इस चुनाव को मतलब रिकाउंटिंग कराना चाह रहे हैं, लेकिन तिवारी सर का बयान पहले ही आ गया है कि रिकाउंटिंग नहीं हुई तो चुनाव रद्द हो जाएगा। फिर बाद में आकर 15 मिनट बाद वो एप्लीकेशन लिख कर देती हैं चुनाव रद्द कराने को लेकर, और उनकी जो एप्लीकेशन थी वो मान्य भी हो जाती है, आपत्ति उन्हें दर्ज कराई और उनकी मान्य भी हो गई। और हमारे सामने जब हुआ उसको टीचर्स दूसरे कमरे में ले गए, फिर वहाँ पर वो जो टिक थे जो मेरे वोट थे उन पर उन्होंने गलत तरीके से निशान लगाकर मेरे वोटों को इनवैलिड कर, एक डेढ़ घंटे तक वो हम लोगों के सामने नहीं थे वोट। उन्होंने बोला कि सील सपाटा लगाया हमारा, हम लोगों के सामने ना सील लगी ना कुछ लगा, बाहर जाकर ही उन वोटों में सील लगी और बाहर जाकर ही सब कुछ हुआ है, बाहर जाकर उन लोगों ने वोट चेंज किए हैं, इस तरीके का भी उन लोगों ने किया है। फिर वहाँ पर जब एक डेढ़ घंटे बाद भी जब वहाँ पर वो बुला रहे हैं रिकाउंटिंग के लिए कि रिकाउंटिंग की घोषणा हो गई है, तब भी वो रिकाउंटिंग के लिए नहीं आ पा रहे हैं, बार बार आवाज़ देना पड़ रहा है कि रिकाउंटिंग हो। डीएम साहब मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि आपके वोट गलत है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हम लोग ने वहाँ पर भी लगातार विरोध किया कि रिकाउंटिंग नहीं होगी, उसका उन्होंने माने नहीं किया, लेकिन जब रिकाउंटिंग हो रही है उसमें भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। रिकाउंटिंग में मैं शामिल नहीं हुई, मैंने वो वोट देखे कि मेरे गलत है, उसके बाद मैं रिकाउंटिंग में नहीं गई, मैंने कहा कि अब मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने देख लिया कि वोट बदल दिए, तभी वो मेरे को बिना बताए मतलब मेरे सामने काउंटिंग, वो टीचर भी काउंटिंग कर ले रहे हैं और पैक करके रख दे रहे हैं। उसमें उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं विरोध कर रही हूँ तो उसको उनको समझना चाहिए, और उस पर कुछ ऑब्जेक्शन भी मैं उठा रही हूँ तो उनको उस चीज़ पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, बल्कि उनकी ही सुनवाई कर रहे थे वो वहाँ पर। और जब वहाँ पर प्रिंसिपल सर को बुलाया गया, हम लोगों ने बोला, तिवारी सर को बुलाया गया, तिवारी सर ने जाकर मंच से अनाउंसमेंट कर दिया कि वो जीत गई, लेकिन उस टाइम पे हमने एप्लीकेशन लिख के तिवारी सर को देना चाहा तो हमें पुलिस प्रशासन ने रोका कि आप लोग एप्लीकेशन नहीं दोगे। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को उनको एप्लीकेशन तक नहीं दी, तिवारी सर नहीं देने दी। उसमें जिक्र है उन सबको बताना पड़ेगा ताकि बाहर मालूम चले कि किस तरह से अंदर इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। बाहर जो कैंडिडेट बच रहा है किसी को लाना है, किसी को जानकारी देना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए माइक लगाया जाता है, लेकिन 11 बजे के बाद पूरी तरह से माइक्स बंद कर दिए गए। कईयों का कहना है कि हो सकता था बाहर झगड़ा हो सकता था प्रशासन ने इसको कराया हो कि बाहर अशांति फैल सकती है इसलिए माइक बंद कराए गए, लेकिन कल की घटना से साफ जाहिर हो गया है कि माइक इसलिए बंद कराए गए ताकि अंदर जो साठगांठ चल रही है, जो टपटक चल रही है, बाहर तक ना आ पाए। दूसरी बात, एक चुनाव कराने के लिए जो मिनिमम नॉर्म्स आपको फॉलो करने चाहिए थे, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस में साफ कि चुनाव प्रक्रिया नियम के हिसाब से चलेगी और एक टाइम टेबल से चलेगी, उस टाइम में आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर करने हैं, उस टाइम के बाद में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप सबके साथ आज उनके साथ मिला, छात्रों का एक समूह ABVP और NACY, इनने मिलकर कैंडिडेट्स उतारे थे और दो दो पदों पर कैंडिडेट्स उतारे। DSO ही ऐसा था जिसने चारों पदों पर कैंडिडेट्स उतारे, वो तीनों भी मिलाकर भी रचना को नहीं हरा पाए। वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक प्रेस वार्ता बुलाई जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह से DSO के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधियों को डरा धमका कर रखा हुआ था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि DSO के कार्यकर्ताओं के पास वहां मोबाइल फोन थे, जबकि मोबाइल रखना पूर्णतः प्रतिबंधित था। ये तो चल जा रहे जब पूरे समस्त कैंडिडेट भारतीय मीडिया
किताबों के रिजल्ट कार्ड डिक्लेरेशन होने से पहले वहाँ पर बात तो डीएसओ के बाहर निकली है कि हम जीत गए करके। तो डीएसओ बाहर पहले जश्न क्यों मनाने लगी? जश्न क्यों मनाने लगी? हम तो ये पूछ रहे हैं ना, सभी लोग थे ना वहाँ, मोबाइल हमारे पास था या उनके पास था? किनके पास मोबाइल? उन्होंने बिना जब परिणाम घोषणा के बाहर जश्न मनाना चालू करा, तब हमने आपत्ति उठाई कि जब तक यहाँ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं हुई तो उससे पहले इन लोगों ने बाहर जश्न मनाने को चालू कर दिया, तो हमने पहली आपत्ति तो इस चीज पे ही दर्ज करवाई। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने इस प्रेस वार्ता में यह भी बताया कि किस तरह से वोटों की गिनती बार बार कराकर जीत दर्ज कराई। भाई बताइए कुछ नहीं, हम तो वो लिख रहे थे आवेदन स्वयं मैंने लिखा था, तो आवेदन बिल्कुल हम लोगों ने बारी बारी से दो बार आवेदन लिख कर दिया था, सबके हस्ताक्षर थे उस पे, रिकाउंटिंग के हमने दो बार का नहीं, दूसरी बार नहीं, एक ही बार हुई थी बस, दूसरी एक बार हुई पहले तो मैंने बोला सर ऑब्जेक्शन है, मैं तो बोलते लिखित में दो, कोई सुनवाई नहीं होगी यहाँ पे, फिर ये सब लोग थे मीडिया वाले सभी थे वहाँ पे भी, फिर हमने लिखित में दिया, दो बार हुई, एक बार पहले हुई हम सभी के सामने, फिर दोबारा से गिनवाया, फिर ऑब्जेक्शन उठाया, फिर उसके बाद जो हुई वो जो अधिकारी आए थे उनके सामने, तब जाके उनके दो वोट निरस्त हुए, मेरे को मिले थे 22 ही थे, मेरे 22 ही थे। कह रहे थे, उनका कहना ये था कि अगर एक बॉक्स में आपके दो राइट लगते हैं, तीन राइट लगते हैं या चार राइट लगते हैं तो हम मानोगे, तब तक रिकाउंटिंग नहीं होगी, तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने फिर हमसे बोला लिखित में दिया, हमने साइन किए, तो फिर वो लोग फिर से लेके आए, तब उन पे ना एक बॉक्स में दो निशान लगे हुए थे और दोनों के नीचे फिर क्रॉस लगा हुआ था, उसमें भी था, पर वो बोलते हैं वो अपने बॉक्स में कुछ भी करे, बाद में वो कोई अधिकारी आए थे, बाद में चुनाव अधिकारी आए, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी थी, हम सब लोग पूरी पार्टी से सब लोग इकट्ठे गए, जो बड़े अधिकारी थे वो नहीं थे, वहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आखिरी बार जब मतगणना हुई वहां पर कैमरों को बंद करवा दिया गया था, साथ ही किसी वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने आकर मतगणना कराई, अब समझ से परे है कि सच आखिर बोल कौन रहा है। वही सवाल उठता है कि केवल 44 मतों की गणना में सुबह से रात हो गई। वही एक सवाल यह भी उठता है कि क्या वहां पर कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी कि छात्र संघ चुनाव को किस निर्धारित अवधि में फैसला घोषित कर दिया जाएगा, साथ ही अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो मतों को बाद में कैंसिल किया गया। सवाल बहुत हैं, पर जवाब देने वाला कॉलेज प्रशासन अपनी चुप्पी कब तोड़ेगा यह एक देखने की बात है। जनसुनवाई में आज पहुंचे खैरी खता से आए ग्रामीण। ग्रामीणों का कहना है कि खैरी खता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है, वहां ना तो पीने का पानी है और ना ही साफ स्वच्छ वातावरण। वहीं सरकारी निर्देशों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जहां पर प्रसव किया जाता है वहां पर दवाइयां होना अति आवश्यक, साथ ही 24 घंटे के लिए वहां पर डॉक्टर पदस्थ रहता है, जबकि यहां खैरी कथा में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ग्रामीणों ने यह बताया कि वहां ना तो साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है और ना ही रख रखाव का, खिड़कियां टूटी पड़ी हुई हैं और डॉक्टर आते नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस पर कलेक्टर राजेश जैन क्या कार्रवाई करते हैं। बिल्डिंग की स्थिति और पानी की समस्या है वहां पे, अस्पताल की स्थिति काफ़ी ख़राब है, वहाँ पे इलाज करने के लिए लोग आते हैं उनको भगा दिया जाता है, ना पंखे हैं ना सही बेड है वहाँ पे, पूरी स्थिति ना पानी की व्यवस्था है, पूरी स्थिति ना तो समय पे डॉक्टर आते हैं, और स्टाफ भी एक ही नर्स है केवल वहाँ पे, बस वो भी कभी कभी आती है और टाइम पे कोई मौजूद ही नहीं रहता वहाँ पे। हमारे गांव की है वहाँ पे उम्मीद का है चार, पर वो अकेली कभी कभी आती है, वो डिलीवरी अकेली होती है, इलाज तो कभी होता नहीं है किसी का वहाँ पे। वैसे तो शुक्रवार को कोई शर्मा जी वो आते, हम इस बार शुक्रवार को भी गए थे पर वो हमें नहीं मिले थे। कांग्रेस ने याद किया पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज इसी अवसर पर सिंधिया जनसंपर्क कार्यालय पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा, वहां वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से देश में हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ी है, साथ ही सिक्किम का देश में विलय होना आदि ऐतिहासिक निर्णय स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने किस तरह से लिए। इस अवसर पर देवेंद्र गुप्ता, हरिशंकर विजयवर्गीय, सूर्यकांत जगताप, रविंद्र रघुवंशी, हरवीर सिंह यादव, मान सिंह परसोदा आदि अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्राण न्यौछावर किए, वहीं हम कभी राजनीतिक गुंडबाजी की बात करते हैं, कभी नेता की बात करते हैं,
कभी ऐसे राजनीतिक संयोग बना लेते हैं कि इससे पार्टी की छवि खराब होती है। इन सभी बातों का आप और हम सबको ख्याल रखना होगा। सकीर भाई ने जो बात कही कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर आज कांग्रेसजनों ने शासकीय जिला चिकित्सालय में फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित रहे। वहीं एनएसयूआई इस पूरे कार्यक्रम से नदारद दिखी। आज जैसे हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्रथम महिला थी उनके आज पुण्यतिथि 33वीं पुण्यतिथि उसके उपलक्ष्य में आज हमारे महिला कांग्रेस द्वारा और कांग्रेस के द्वारा फल वितरित किए जा रहे हैं। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर राजेश जैन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका चुनावी वादा याद दिलाया जो उन्होंने 2014 के चुनाव में किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की थी जो की आज तक पूरी नहीं की गई है। इसी उद्देश्य से कलेक्टर राजेश जैन को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इंदिरा गांधी की 33वीं पुण्यतिथि आज हम लोग याद दिलाने आए कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर के द्वारा मोदी जी के जो उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण करने का वादा किया था सन 2014 के चुनाव में उन्होंने वो नहीं किया गया ना आज तक वो उस विषय में बोल रहे हैं तो कम से कम उनको याद दिला रहे हैं कि आने वाले चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए जिससे महिलाएं की सशक्ति और बढ़े और वो और मजबूत हों। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती पर पूरे माह मनाए जाएंगे प्रकाशोत्सव। इसको लेकर आयोजन समिति का गठन भी किया गया है। आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान समिति के सदस्यों ने बताया कि किस तरह से वे पूरे माह कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। इन कार्यक्रमों का आयोजन 1 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में किया जाएगा। साथ ही कॉलेजों और स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता नाटकों का मंचन कबड्डी खो खो रस्साकशी आदि खेल गोष्ठियां एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही समाज में बढ़ रहे नशे के प्रचलन पर भी नशा मुक्ति संकल्प अभियान भी चलाया जाएगा। इस तरह से विभिन्न कार्यक्रम जो है और साथ ही
कि हम जो है एक महासभा में भी एक आयोजन करने का है हमारा, जिसमें हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में उनका जो जीवन है उसकी पूरी हम जो है उसमें एक ऐसा कार्यक्रम रखेंगे, जो उन्होंने जो भारतवर्ष के लिए हिंदू समाज के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उस कार्य को हम सब लोगों के सामने लेके जा सके, ऐसा हमारा प्रयास है। इस संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, आप सभी को यहाँ बता रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आप लोग पूरे देश का एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, कोई भी कार्यक्रम आपके बगैर संभव नहीं है। आपसे ऐसी हमारी गुजारिश है कि जो पूरे माह भर जो कार्यक्रम करने वाले हैं निश्चित रूप से प्रत्येक सरस्वती शिशु मंदिर लालापुरा रावगढ़ में आयोजित किया गया आचार्य मासिक वर्ग संपन्न हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह विभाग प्रचारक रामवीर सिंह कौरव ने उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि हमारे शिशु मंदिर का उद्देश्य एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इस वर्ग में विद्यालय के प्राचार्य एवं समस्त आचार्य परिवार उपस्थित रहे। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती। नेहरू युवा केंद्र जिला गुना के द्वारा युवा समन्वयक एसएन जैन के निर्देशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पगारा रावगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि प्राचार्य के आर डेहरिया अध्यक्षता एवं मुख्य वक्ता राजेंद्र सिंह दीक्षित, विशिष्ट अतिथि रामजी मिश्रा सचिन अहिरवार ने की, जिसमें सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसे विचार गोष्ठी दौड़ सद्भावना शपथ आदि कार्यक्रम किए गए। इकट्ठा करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, और जैसा अभी आपने ही बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पैसा जो यहाँ से तय थी वो आसानी से सम्मिलित हो गई, पर दो तीन ऐसे खड्डू थे जो हमारे भारत में नहीं मिलना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे निवेदन अनुरोध और सामंजस्य से और एक जगह सेना का भी उपयोग करना पड़ा, जो चार घंटे के अंदर कुछ। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ आरोन के शासकीय महाविद्यालय में, जहां अध्यक्ष पद पर कब्जा रहा एनएसयूआई का, वहीं सचिव पद पर कब्जा रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। अध्यक्ष पद पर कुमारी सुषमा रघुवंशी, उपाध्यक्ष पद पर कुमारी सॉल्टी जैन, सचिव पद पर शिवम सोनी नियुक्त किए गए। नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेज में व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाएगा, विद्यार्थियों के हित पर भी काम किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं द्वारा उनके घर पर जाकर नवनियुक्त अध्यक्ष को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आरोन में श्रीदास हनुमान रामलीला सनातन उत्सव समिति के तत्वावधान से कई दिनों से चल रही है। आज सातवें दिन रामलीला में राम वनगमन संवाद कलाकारों द्वारा सुंदर प्रस्तुति की गई। यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये दशरथ भाई अजय लोधी सतीश रघुवंशी परोद निवासी है, और ये दशरथ महेश और रघुवीर प्रजापति है। महेश प्रजापति और रघुवीर प्रजापति इन दोनों की जोड़ी, इस जोड़ी के लिए भी ₹10 प्रदान करते हैं मंडल की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद।
आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। नामदेव समाज के तत्वावधान से आयोजित की गई संत नामदेव जन्मोत्सव जयंती, जिसकी शुरुआत मंदिर से शोभा यात्रा निकालकर की गई। शोभा यात्रा को प्रमुख मार्गों से निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। पश्चात आरती हुई एवं पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मां भारती के वीर सपूत राष्ट्र गौरव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बलबीर सिंह रघुवंशी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष भगवत सिंह रघुवंशी, संजीव सोनी, देवेंद्र सोनी, पहलवान रघुवंशी, के पठान, श्रवण जैन, अशोक रघुवंशी, मुनेश जैन, उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एवं सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, उन्हें अकारण इनको किसी में बंद कर दिया, तो किसी में बंद कर कोई धारा लगा दी, कोई धारा तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अधिकतर हिंदुस्तानियों केस लड़ते थे, तो एक केस लड़ रहे थे जे 1909 की बात है, देश स्वतंत्र हो गया था। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। इस साल बारिश बहुत कम हुई, जिसके कारण राजीव सागर बांध पर केवल 25% ही पानी भर पाया। इसके चलते 26 तारीख को सिंचाई विभाग कर्मचारियों के द्वारा राजीव सागर नहर जैसे ही खोली गई, उसी दौरान अचानक नहर का गेट टूट गया, जिसके चलते कर्मचारियों ने पानी को नदी की तरफ मोड़ दिया, जिससे रात भर कीमती पानी नदी में बहता रहा। सुबह होते ही सिंचाई विभाग के कर्मचारियों नदी का रुख बंद कर डैम के पानी को नहर की तरफ मोड़ दिया। इस मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह रही कि 26 तारीख को नहर का गेट टूटने के बाद भी आज तक उसको सुधारा नहीं गया है। यही कारण है कि नहर अभी भी चल रही है। अगर जल्दी नहर के गेट को सुधारा नहीं गया तो डैम में बचा कुचा पानी भी नहर के जरिए निकल जाएगा। इसी मामले में जब हमारे संवाददाता टोनी शाह ने एसडीओ एसके जैन से बात की, तो एसडीओ पी ने 2-3 दिन के अंदर गेट को मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। बीजाने में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।